हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वेब टेक हट में। दोस्तों, टेलमेंट सीएसएस की इस वीडियो में हम एनिमेशन के बारे में बात करेंगे और मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि टेलमेंट में हमें कौन कौन से बने बनाए जो एनिमेशन की क्लास मिलती है उनको कैसे यूज़ करना है, और कस्टम अगर हम अपना एनिमेशन लगाना चाहें तो वो हम कैसे लगा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, ब्राउज़र में मैंने कुछ, ये देखिए कि एक कंटेनर ले रखा है और उसमें मैंने थोड़ा सा टेक्स्ट लिख रखा है। ठीक है, ये अलग अलग मैंने 3 डिव लिए हुए हैं। ठीक है, इनको मैंने ऐसे सेंटर में सेट कर रखा है और मैंने डिस्प्ले फ्लैक्स की वजह से इनको, ये जो साइड बाय साइड आ रहे हैं और बराबर स्पेस मिल रहा है, ये डिस्प्ले फ्लैक्स की वजह से आ रहा है। ठीक है, तो जस्टिफाई मैंने स्पेस बिटवीन वगैरह जो भी है इसमें लगा रखा है। ठीक है, वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये देखिए इंडेक्स की फाइल में, ये देखिए यहाँ पे स्क्रीन मैंने जो कंटेनर की एच स्क्रीन लगा रखी है, टेलमेंट की क्लासेस को लगा रखी है ऑलरेडी। तो ये बेसिकली एक आपको दिखाने के लिए, बट जब हमने एनिमेशन यूज़ करना है तो वो मैंने आपको इन 3 डिव पे ही यूज़ करके दिखाऊंगा कि कैसे यूज़ करना है। एक तो बने बनाए हमें जो एनिमेशन मिलते हैं पहले तो हम वो देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको ये एक टेलमेंट सीएसएस की ऑफिशियल वेबसाइट पे एनिमेशन दिखाता हूँ। एनिमेशन आपने सर्च करना सर्च बॉक्स में, तो एनिमेशन की डिटेल आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो एक हमें बना बनाया जो बाउंस वाला मैं सबसे पहले दिखाता हूँ। ये देखिए सिंपल, हमें एनिमेशन क्लास बाउंस लिखनी होती है तो हमारा बाउंसिंग इफेक्ट आपका टेक्स्ट को मिल जाएगा। जैसे कि ये सेंटर वाले फर्स्ट वाले को मैं थोड़ा बाउंसिंग इफेक्ट देता हूँ, यहाँ पे वेब लिखा है तो इसमें मैं क्लास लिखूँगा। एक क्लास के बीच में मैंने जो उधर से कॉपी की बनी बनाई क्लास एनिमेट बाउंस। ठीक है, तो अभी मैं पेज को रिफ्रेश करूँगा तो ये देखिए थोड़ा बाउंसिंग इफेक्ट मिल गया। ऐसे ही हमारे पास बने बनाए एनिमेशन और भी है, एक बार इसको जूम कर देता हूँ। सिंपल ये देखिए मैंने एनिमेट बाउंस क्लास ही लिखा है तो ये टेक्स्ट कैसे बाउंस कर रहा है। ठीक है, तो एक जैसे कि ये यहाँ पे पिंग वाला है, अगर एनिमेट पिंग को कॉपी करके, ठीक है, मैं एक यहाँ पे लगाता हूँ क्लास, यहाँ पे लिखते हैं एनिमेट पिंग, सेव करते हैं तो ये टैक वाला जो वर्ड है ना, टैक वाला लेटर था, ये देखिए कैसे स्केल भी इनका बढ़ रहा है। और ऐसे पिंग एक बनी बनाई जो एनिमेशन है वो आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और एक यहाँ पे और भी बनी बनाई चीज़ें हमें मिलती हैं। ये देखिए ये यहाँ पे एक पल्स है, पल्स को भी यूज़ कर सकते हैं, स्पिन है और स्पिन इफेक्ट को भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए ये स्पिन है, स्पिन को भी मैं अगर तीसरे वाला जो मैंने टेक्स्ट लिख रखा है यहाँ पे हट वाला क्लास इक्वल टू, यहाँ पे मैं एनिमेट स्पिन लगाऊँ तो वो घूमने लग पड़ेगा। ठीक है, ये देखिए ये घूमने लग पड़ा, बट ये इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है तो मैं अगर कस्टम इसकी स्पीड कस्टमाइज करना चाहूँ तो कैसे करूँगा। ठीक है, वो मैं कर पाऊँगा, बट अगर मैं आपको बता दूँ कि आप टेलमेट सीएसएस का सीडीएन यूज़ कर रहे हैं तो वो आप कुछ भी कस्टमाइजेशन नहीं कर सकते, आपके पास लिमिटेड आप टेलमेट की बनी बनाई क्लासेज यूज़ कर सकते हैं। तो उसके अलावा हमको अगर ये इसमें कस्टमाइजेशन करनी है तो टेलमेट को भाई वाया NPM इंस्टॉल करो अपने सिस्टम में, तो फिर कुछ भी कस्टमाइजेशन अपनी बनी अपनी क्लास हम बना के उसमें लगा सकते हैं। ठीक है, तो फुल फीचर लेने के लिए टेलमेंट को NPM वाया इंस्टॉल करो। अगर किसी को नहीं पता तो मैंने ये इसी प्लेलिस्ट को आप शुरू से देखिए, इसमें मैंने शुरू में इंस्टॉलिंग बताया वाया टेलमेंट को NPM के जरिए। ठीक है, तो अभी मैंने जो प्रोजेक्ट इंस्टॉल किया हुआ है वो NPM के जरिए इंस्टॉल किया हुआ है, तो उसमें मैं कस्टमाइजेशन करूँगा, ये इसका टेक्स्ट की स्पीड थोड़ी सी कम करूँगा। ठीक है, तो इसको करने के लिए सबसे पहले तो tailwind.configure.js की फाइल जो हमारे पास आती है एक हमारे प्रोजेक्ट में, ठीक है, जब हम इंस्टॉलेशन करते हैं प्रॉपर। ठीक है, तो ये बहुत काम की चीज़ है, सारी कस्टमाइजेशन इसमें होती है, तो इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, इसके बीच में मैं यहाँ पे कस्टमाइजिंग का ऑप्शन है ये देखता हूँ। ये देखिए इन्होंने स्पिन वाले को स्लो कर रखा है। ठीक है, तो क्योंकि इन्होंने स्पीड इसलिए बढ़ाई ताकि लोगों के मन में अभी मैं इसको स्लो करना चाहता हूँ, तो इन्होंने कस्टमाइजेशन भी इसकी बता दी। ठीक है, तो ऐसे आप इसको कस्टमाइजेशन कर लेते हैं लेंगे, तो इसको सारे को मैं कॉपी करता हूँ। अगर आप खुद से अलग अपना कुछ भी लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं, बट एनिमेशन आपको लिखना ज़रूरी होगा क्योंकि यहाँ पे एक ये स्पिन, क्योंकि स्पिन वाली क्लास को हम कर रहे हैं तो स्पिन ये सेम होना चाहिए, ये फर्स्ट नेम है, ये यहाँ पे जो नेम है ये कोई भी डाल सकते हैं हम। ठीक है, तो ये मैं एक बार ऐसे ही रहने दूंगा, तो इसको मैं कॉपी करूँगा स्पिन स्लो को, और अपने index.html में यहाँ पे एनिमेट के आगे स्पिन स्लो यहाँ पे मैं
जूम करके दिखाता हूँ, यहाँ पे मैं कॉपी पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। अगर मैं रिफ्रेश करूँगा यहाँ पे तो ये वर्क करेगा, ये वर्क नहीं करेगा, ये देखिए कुछ भी नहीं हो रहा है, वो खड़ गया, ठीक है। क्यों नहीं वर्क करेगा? क्योंकि हमें कंपाइल करना पड़ता है, जो भी हम कस्टमाइज करते हैं टेलमेंट CSS की, वो स्टाइल डॉट CSS में कंपाइल हो जाएगी। तो इसको कंपाइल करने के लिए मैंने पैकेज डॉट जेसन में एक स्क्रिप्ट टेस्ट बनाई है, ठीक है। ये सारा प्रोसेस दोस्तों शुरू से इंस्टॉलेशन टेलमेंट की कैसे करते हैं, मैंने स्टार्टिंग से इस प्लेलिस्ट में बनाया, तो आराम से आप देखिए, आप बहुत ईजी आप समझ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये टेस्ट को मैं रन करूँगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे आपको सारा ये बताने लग गया तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो इसलिए शुरू से मेरी प्लेलिस्ट देखिए, डिटेल में आपको पता चल जाएगा। तो ये सिंपल यहाँ पे मैं NPM रन टेस्ट करता हूँ, क्योंकि मैंने उधर टेस्ट स्क्रिप्ट एक बना रखी है। तो जैसे ही मैं ये रन करूँगा, ये देखिए पब्लिक स्टाइल डॉट CSS में इसने टेलमेंट डॉट CSS को कंपाइल करके डाल दिया, ठीक है। और ये टेलमेंट डॉट कॉन्फ़िगर वाली भी उधर चली गई होगी, ये हमारी स्टाइल शीट में चला गया, हमारा एनिमेशन वाला स्टाइल चला गया होगा, ठीक है। इसको सेव करते हैं, इसको मैं सेव करता हूँ, अभी हम इसको रिफ्रेश करते हैं। अभी ये काम नहीं कर रहा क्योंकि अभी इसमें नहीं लगा, ये थोड़ा सा ना टाइम लेगा, ये एक बार इसको मैं बंद कर देता हूँ, ठीक है। तो अपनी जो स्टाइल वाली मैं एक बार ओपन कर लेता हूँ, स्टाइल डॉट CSS, और उसमें सर्च कर लेते हैं स्लो वाला, वो जो हमारी क्लास है वो आई कि नहीं, जो हमने अभी अपनी कस्टम बनाई है, ये देखिए अब यहाँ पे आ गई होगी, क्योंकि ये बोल रहा है कि ये नॉर्मल नहीं है, इसमें कुछ ना कुछ हुआ है, ठीक है। तो ये अब डेफिनेटली आ गई होगी, तो हम इसको सेव कर लेते हैं। और जैसे ही मैं यहाँ पे ब्राउज़र पे जाके रिफ्रेश करूँगा, ये देखिए हमारा जो स्विंग है ना, स्पिन है, वो स्लो हो गया, ठीक है। तो ऐसे हो गया, अगर ये तो हो गया, अभी बनी बनाई जो हमारे पास ऑलरेडी थी एक स्पिन की क्लास, ठीक है, उसमें जो भी एनिमेशन लगा था उसको हमने अपडेट कर कुछ उसमें अपने स्पीड वगैरह डाली है ना। एक हो गया कि खुद से अगर हम कुछ अपना एनिमेशन बना के भाई डालें इसमें, तो वो डाल सकते हैं, हाँ भाई डेफिनेटली डाल सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, एक बार इस दोनों को हटा दूँगा जो भी इन पे एनिमेशन लगा है, ठीक है। जैसे इसको मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। तो पिंग वाले को भी एक बार हटा ही देते हैं, ठीक है। अब खुद से कस्टमाइजेशन, एक अलग से अपना एनिमेशन फुल बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, मैं विगल वाला बनाना चाहता हूँ, ये देखिए यहाँ पे विगल वाला इन्होंने ऑलरेडी बना के रखा है भाई, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, पहले तो मैंने जो ये चेंज किया था टेलविन डॉट कन्फिगर डॉट जेएस में, इसको एक बार हटा देता हूँ, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूँ और खुद से एक कस्टम एनिमेशन बनाऊँगा, ठीक है। तो ये देखिए मेरे पास यहाँ पे बना बनाया है, तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ भाई, विगल वाले को ही, ठीक है। तो इसको मैं कॉपी करूँगा यहाँ से, ठीक है। इसको कॉपी कीजिए आप और यहाँ से इसको लगा देते हैं, ठीक है। अब इस एनिमेशन नेम को भी एनिमेशन में भी कॉल करना पड़ेगा, तो उसके लिए देख लेते हैं, ये देखिए एनिमेशन वाले में भी इन्होंने विगल को कॉल कर रखा है। तो इसको उठाते हैं और ट्रैक को ऊपर लगा, की फ्रेम के नहीं, की फ्रेम के नीचे लगाएंगे हम लगा देते हैं एक्सटेंड के नीचे ऊपर, ठीक है। एक्सटेंड के ऊपर जैसे ही हमने लगाया, जो कस्टम कोई रोटेट करेगा और थोड़ा सा उसको, ये देखिए रोटेट ही कर रहा है ये विगल वाला, ठीक है, इधर उधर डाले करेगा टेस्ट को। तो इसको भी अभी हम कंपाइल करेंगे NPM रन टेस्ट के जरिए, तभी ये हमारे स्टाइल शीट में आएगा ना। NPM रन टेस्ट दोस्तों, इसलिए मैंने ये कॉपी किया, अगर आप कस्टम बनाना चाहते हैं तो वो आप पूरा कस्टम बना सकते हैं, ये कस्टम की एग्जांपल ही है, ठीक है। ये इसमें कुछ भी डाल सकते हैं, 0% जो विगल नाम, कोई नाम अलग भी दे सकते हैं, ठीक है। तो जैसे ही हम इसको कंपाइल करते हैं, ये देखिए कंपाइल हो गया, ठीक है। और इसको यूज़ करने के लिए इस विगल नाम को कॉपी करना होगा, ठीक है। एनिमेट विगल लगाएंगे भाई, हम कहाँ पे लगाएंगे, मैं लगाता हूँ, कमांड फेल हो चुकी है, हमारा जो कोई एरर था, ठीक है। एक बार कंफिगर डॉट जी एस में डाल जाके देखते हैं भाई कौन सा एरर है, और फिर इसको ऐसे, अब मेरे हिसाब से ये ठीक चलेगा,
अब एक बार फिर से कमांड रन कर लेते हैं, एन पी एम रन टेस्ट। अब देखते हैं कोई एरर ना आए तो ये चल पड़ेगा, वरना फिर देख लेंगे क्या बात है भाई। कोई बात नहीं, अगर कोई एरर आया भी तो आई थिंक अभी कोई नहीं आएगा, ठीक है। तो इसको सेव कर लेते हैं, अभी तक तो कोई नहीं आया। इंडेक्स में जाते हैं, इसको भी सेव कर लेते हैं, ये स्टाइल डॉट सी एस एस में यस टू ऑल कर देते हैं, ठीक है। कोई अपडेशन वगैरह आई है उसने बोला, ठीक है। तो थोड़ा सा ना मेरा ये अपडेट करने वाला है विजुअल स्टूडियो, इसमें शायद कोई प्लगइन वगैरह भी अपडेट करने वाला है, ठीक है। तो अब रिफ्रेश करते हैं हम अपने जाके भैया, एक बार यस तो कर दो उसको। ब्राउज़र में जाके रिफ्रेश करते हैं, ये पुराने वाले चल रहे हैं, अभी विगल वाला नहीं आया, क्योंकि मेरे हिसाब से थोड़ा स्लो है मेरा सिस्टम। कोई बात नहीं, आ जाएगा। इधर सेव कर लेते हैं, इंडेक्स में देख लेते हैं कि हमने विगल लगाया भी कि नहीं, कि भूल गए हम विगल क्लास लगाना। यहाँ पे हमने विगल क्लास अभी भी लगाई नहीं, तो विगल वाला कैसे आएगा। तो ये विगल इस यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और इंडेक्स वाले में पेस्ट कर देते हैं और सेव करते हैं। दोस्तों आप बोल रहे हो कि ये क्या कर रहा है यार, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, तो मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न लग रही है तो शुरू से इंस्टॉलेशन वाला प्रोसेस देखिए, वो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही ईजी है टेलमेट, पहले मुझको भी ऐसे ही लगता था। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, अभी भी नहीं आया भाई। तो एक बार हम स्टाइल डॉट सी एस एस में देखते हैं विगल वाला हमारा जो एनिमेशन है वो आया कि नहीं। तो कंट्रोल एफ करते हैं, यहाँ पे जो हमने विगल वाला बनाया था उसको फाइंड करते हैं विगल। और ये देखो भाई विगल वाला की फ्रेम भी आ चुका है, ठीक है, एनिमेशन भी आया होगा विगल। ये देखो की फ्रेम भी आया है, ठीक है। तो ये देखो एनिमेशन भी हमारा आया आ चुका है, तो ये काम करेगा, ठीक है, ये डेफिनेटली काम करेगा। थोड़ा इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, थोड़ा सा ना ये कंपाइलिंग में टाइम लेता था इसलिए ये ऐसे शो हो रहा है कि हमको विगल हमारा काम नहीं कर रहा, बट ये काम करेगा भाई। अभी भी हार्ड रिफ्रेश करते हैं यहाँ पे और देखते हैं कि विगल वाली क्लास आई कि नहीं इंस्पेक्ट करके। ये विगल वाली क्लास इधर कॉल नहीं हो रही, मुझे लगता है मैंने नाम में कुछ गलती कर दी है। तो विगल वाला एनिमेशन नाम काम करने का एक मतलब ये भी हो सकता है कि जो हमने ये एनिमेशन है ये ऊपर कॉल किया है, ये अगर हम यहाँ से नीचे की फ्रेम के नीचे कॉल करें कंट्रोल एक्स और यहाँ पे हमारा की फ्रेम वाला बंद होता है और यहाँ पे कॉल करें, ठीक है, तो ऐसे भी चलेगा। ठीक है, अगर अब हम इसको कंपाइल करें पी एच पी एन पी एम रन टेस्ट, एन पी एम रन टेस्ट, अगर इसको कंपाइल अब हम करेंगे आराम से, ठीक है ना। तो हमारा भाई हमको तो एनिमेशन चलने से मतलब है, उधर आ तो रहा है लेकिन चलना भी चाहिए ना। ये देखिए कंपाइल ये हो रहा है, ठीक है। अभी इसमें जब ये थोड़ा सा कंपाइल हो गया दोस्तों, कोई एरर नहीं है, चलेगा। एरर तो पहले भी नहीं था लेकिन थोड़ा ऊपर नीचे वाली प्रॉब्लम हो गई थी, ठीक है। यस ये देखिए स्टाइल और सी एस एस में चेंजेस हुए हैं कुछ, तो इसलिए ये थोड़ा मेरा सिस्टम सटाया गया है। ये देखिए और ये देखिए हम सेव करेंगे,
रिफ्रेश करते हैं। चल पाया भाई, फिर से देखते हैं कि बिगल वाले में या फिर दिक्कत क्या है। बिगल वाली क्लास सही से लगी है, ये देखिए एनिमेट बिगल 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 एनिमेट एनिमेट बिगल। ये यहाँ पे आ गया, लेकिन की फ्रेम वगैरह मेरे हिसाब से नहीं आया, तो ये दोस्तों थोड़ी सी कंपाइलेशन में गड़बड़ी हो जाती है कई बार, क्योंकि ये काम ही कुछ ऐसा है भाई। स्टाइल डॉट सी एस एस में सर्च करते हैं फिर से जाकर। विगल एट द रेट की फ्रेम्स में देखते हैं, की फ्रेम्स में विगल वाला आया कि नहीं। तो मेरे हिसाब से की फ्रेम्स में नहीं आया होगा, जिससे ये दिक्कत पेश आ रही है। ये विगल वाला की फ्रेम्स में भी वही आया है, तो क्यों नहीं चल रहा। चल भाई अब रिफ्रेश करके देखते हैं होगा, इंडेक्स वाले को एक बार दोबारा से हम सेव करते हैं, डिप क्लास विगल, और इसको एक बार ये नीचे वाले में भी हम लगा के देखते हैं। ठीक है, अब इसको रिफ्रेश करते हैं, इंस्पेक्ट एलिमेंट करते हैं। विगल वाला स्टाइल शीट में से इधर नहीं लग रहा, ठीक है, तो इसके जहाँ तो मैं नाम में कुछ गलती पेश कर रहा हूँ। क्रीफेम विगल एनिमेट 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 विगल, मुझे एनिमेट तो आगे भाई लगाने पड़ेगा, तो ये थोड़ी सी गलती से वीडियो लंबी हो गई भाई। कोई बात नहीं, यहाँ पे डायरेक्ट मैं विगल लगा रहा था, तो इसलिए ये दिक्कत पेश आ रही थी। हमको एनिमेट विगल तो लगाना ही पड़ेगा, तो इसको मैं अब सेव करके रिफ्रेश करूँगा। ये देखिए दोस्तों कैसे अच्छे से विगल कर रहा है। ठीक है, तो थोड़ी सी वीडियो ज़रूर लंबी होगी, बट कोई बात नहीं, मैंने आपको बता दिया जो मैं आपको बताना चाहता था। तो मेरा चैनल ज़रूर भाई सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए, और पूरी प्लेलिस्ट देखिए। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। ओके दोस्तों, बाय बाय।